हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आपको जरबेरा के बारे में बताने जा रही हूँ। जरबेरा का पौधा कहाँ से आया, ये कितने कलर का होता है, ये कितने प्रकार का होता है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, सो मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो बिना कुछ देर के चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जरबेरा अपनी सुंदरता के कारण बहुत प्रचलित है। इसे गिफ्ट में दिया जाता है, इसे बूके में देना ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। व्यापार के लिए यानी कि बिजनेस के लिए इसे बहुत पसंद किया जाता है। इसकी खेती भी की जाती है, विभिन्न रंगों में पाए जाते हैं। जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये बहुत सारे कलर हैं, यहाँ पे इतने कलर के ये पाए जाते हैं। इसे आप बीज से भी लगा सकते हैं और कटिंग से भी लगा सकते हैं। इस फूल की उत्पत्ति स्थान दक्षिण अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में हुआ था। आप देख सकते हैं गाइस, ये जो मैंने अपने हाथ में लिया है ये फूल जो है वो पर्पल कलर का है। यहाँ पे मैंने जरबेरा के आपको बहुत सारे पौधे दिखाए हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर के हैं। ये जो मैंने पौधा लिया है ये पर्पल कलर का है और जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये ऑरेंज कलर की है। इसे आप बीज से भी लगा सकते हैं और कटिंग से भी लगा सकते हैं। इसकी बीज जो है वो नर्सरी शॉप में इजीली आपको मिल जाएगी या फिर आप इसे नर्सरी शॉप से इजीली ख़रीद के ला सकते हैं। ये बहुत सस्ती भी मिलती है और इसकी जो फूल है वो बहुत दिन तक टिकती है, यानी कि 20 डेज तक ये टिक। ये देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। मैंने आपको सारे कलर के जरबेरा दिखा रही हूँ। ये वाइट कलर की है, पिंक कलर की है, रेड कलर की है और मैरून कलर की है। सारे कलर की जरबेरा मैंने आपको दिखाया है। इसे आप नर्सरी शॉप से इजीली खरीद सकते हैं। ये आपको 25-30 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा और इसकी केयर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इसे नॉर्मल मिट्टी में लगा सकते हैं, बस इसकी मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए, यानी कि इसमें आपको हमेशा गर्मियों में 2 टाइम पानी देना है और सर्दियों में 1 टाइम पानी देना है। अगर आप इसकी अच्छे से देखभाल करेंगे तो ये पौधा हमेशा फूलों से भरा रहेगा। इसकी पत्तियाँ कुछ इस शेप में होती है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। फूल तो एक ही प्रकार के होते हैं लेकिन कलर अलग होते हैं और पत्तियाँ एक ही प्रकार की होती है। ये देखिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें कितने सब में फूल खिले हुए हैं और सब में कली भी है, यानी कि और भी फूल खिलेंगे। और ये लग रहा है कि एकदम नकली फूल है लेकिन नहीं, ये बिल्कुल असली फूल है और ये देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। इसकी मिट्टी में आपको थोड़ा खाद डालना है गाइस, यानी कि सूखी हुई सब्जी का चूरन डालना है और वर्मी कंपोस्ट डालना है और पानी अच्छे से डालना है और काउडंग अच्छे से डालना है, यानी कि काउडंग को सुखा करके डालना है। इससे आपका पौधा और अच्छा रहेगा और हमेशा फूल देगा। ये जरबेरा के पौधे की खेती भी होती है और इसे लोग शादी पार्टी में बूके में देना पसंद करते हैं। इसकी बहुत बिक्री है, इसे लोग बिजनेस के पर्पज़ से भी लगाते हैं, यानी कि किसान इसका खेती भी करते हैं और बहुत लोग अपने गार्डन में सजाने के लिए भी इसे लगाते हैं। आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं और ज़मीन में भी लगा सकते हैं, ये इजीली लग जाता है। बस इसमें आपको ध्यान देना है कि समय समय पर चेक करना है कि इसकी पत्तियों में कीड़ा लग रहा है कि नहीं। कोई भी पत्ती अगर पीली पड़ती है तो उसे निकाल दीजिए, इसकी हमेशा कटिंग करिए, इसके ख़राब पत्तियों को हमेशा निकाल दीजिए। ये जो मैं आपको फूल दिखा रही हूँ ये देखिए, इसकी पत्तियाँ एक भी पीली नहीं है, सारी हरी भरी है और सब में फूल भरा है, यानी कि इसमें समय समय पर पानी, समय समय पर खाद और धूप अच्छे से इसे दिया जाता है, इसीलिए इसमें कीड़े नहीं लगे हुए हैं। एक भी अगर कीड़ा एक भी पौधे में लगता है तो आपके पूरे पौधे को ख़राब कर देगा, यानी कि पूरे पौधे को खा जाएगा। आप इसे गमले में लगा सकते हैं और अगर आपके घर में जगह नहीं है, जैसे आजकल के लोग फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट में उतनी गार्डनिंग की स्पेस नहीं होती है, तो आप इसे छोटे से पॉट में लगा सकते हैं, जितनी स्पेस है। बस इसमें प्रॉपर धूप लगनी चाहिए, यानी कि आपके फ्लैट में प्रॉपर धूप आ रही होनी चाहिए, क्योंकि आजकल के फ्लैट में धूप भी उतनी नहीं आती है क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सामने में बन जाती है तो धूप भी नहीं आती है। अगर आपके फ्लैट में बालकोनी में अच्छे से धूप आ रही है तो आप इसे गमले में लगाइए, इसकी हमेशा कटिंग करिए, इसमें थोड़ा काउडंग डालिए, फर्टिलाइजर डालिए और प्रॉपर पानी डालिए, प्रॉपर सनलाइट दीजिए, तो आपका ये पौधा फूलों से भरा रहेगा और आपकी बालकोनी का 4 चांद लगाएगा। ये जरबेरा का पौधा वास्तु के लिए भी बहुत अच्छा होता है, यानी कि आप अगर इसे घर में लगाते हैं तो आपका वास्तु भी घर का ठीक होता है। मैंने आपको बहुत सारे कलर के जरबेरा दिखा रखे हैं, आपका इसमें फेवरेट कलर कौन सा है
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। गाइज, मेरा फेवरेट डार्क रेड है जो मुझे बहुत पसंद है, और वो एकदम अनोखा कलर है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये ऑरेंज कलर की है, ये भी अच्छी लग रही है, लेकिन डार्क रेड और वाइट सबसे अच्छा लग रहा है इसमें। सो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप अपने गार्डन की ऐसे जरबेरा के पौधे लगाए हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका पौधा किस कंडीशन में है, कैसा है। और आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी जवाब देने की। जरबेरा को हिंदी में अफ्रीकी डेजी भी कहा जाता है। गाइज, ये पौधा बहुत ही सुंदर है, आप इसे बालकोनी में लगाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपकी बालकोनी कैसी लग रही है, आपके गार्डन में लगाइए, गार्डन कैसी लग रही है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।